फिर पहुंचे आला अधिकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्वोत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी पहुंचे हाथरस स्टेशन। नॉनस्टॉप ट्रेनों का कराया जा रहा ठहरा। तो स्टेशन पर रुके श्रद्धालुओं को यहां से रवाना किया जा रहा है, लोगों को उनके घर के लिए किया जा रहा है रवाना। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या यहां पर लोगों की अभी भी मौजूद है और ऐसे में सुरक्षित वो अपने घर लौटे, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हाथरस रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आला अधिकारी भी मौजूद है। नॉनस्टॉप ट्रेनों को यहां पर ठहराया जा रहा है और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश, जो यहां सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 115 से ज्यादा श्रद्धालु की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर अब 121 हो गया है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हाथरस, एटा और कासगंज के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे और अब ऐसे में इन श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाने के लिए यहां पर प्रशासन की तरफ से तमाम मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। बाबा का सत्संग सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए थे, छोटे बच्चे भी साथ थे। वो बच्चे जो दूध मुए थे, यानी दूध पीते थे, उनका सामान यानी जो शायद इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, उन भक्तजनों का सामान न्यूज नेशन पर देखिए कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि वाकई क्या ऐसा भी हो सकता है, जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। दरअसल ये भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र है, जिसमें पता चलता है कि निर्मला देवी यहाँ की रहने वाली थी और उनका यहाँ पर जो वोटर कार्ड है वो यहाँ पे रह गया है। गाजियाबाद से आए थे, इंदिरापुरम से, यानी सिर्फ एटा, इटावा, मेनपुरी और हाथरस नहीं, गाजियाबाद से भी यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि इंदिरापुरम, गाजियाबाद का ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो नजर आई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक रेलवे की टिकट भी नजर आएगी जो मनोज कुमार की है। मनोज कुमार जो कानपुर के रहने वाले थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कानपुर के रहने वाले मनोज कुमार यहाँ पहुंचे थे। सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से, यहाँ पर आप टिफिन देख सकते हैं, लोगों का सामान देख सकते हैं। ये आमतौर पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए थे और ना सिर्फ बाबा के सत्संग के समय आए थे बल्कि उससे पहले भी पहुंच गए थे। तो ऐसी कई तस्वीरें हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कई जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है निर्मला देवी और ये कहाँ के रहने वाली, ये भी हम देख लेते हैं। नारायण साकार हरि महाराज के भक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई सब ये बताइए कि आप यहाँ पर रहते भी हैं, किस तरीके का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है बाबा जी का? हाँ, परमात्मा का आशीर्वाद तो हम तो प्रभु का नाम नारायण साकार हरि के नाम से ही प्रभु को जानते हैं और प्रभु का नाम नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, यही मेरा नारा है, यही प्रभु का जय घोष है। क्या क्या चमत्कार देखे उन्होंने, आपने क्या चमत्कार उनके देखे? प्रभु कुछ नहीं दिखाते, कोई चमत्कार नहीं दिखाते। इतने सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग आते हैं उनकी पूजा करते हैं, यानी करोड़ों की संख्या में प्रभु के पास, करोड़ों की संख्या में मतलब जो है भक्त जग जुड़े हुए हैं। क्या फायदा होता है उनको? भाई अब फायदा ही होता है, तभी तो आदमी आता है। जब तक आप फायदा नहीं तब तक कैसे आओगे? जैसे अभी आप हो, अभी आप हमसे, अब जैसे हमारा और आपका वार्तालाप चल रहा है, और अगर आपको जब लाभ होगा तभी तो आप आएंगे। फिर आप भी जो है प्रभु के बारे में अच्छी अच्छी जो है बातें जागृत करेंगे, इस पूरे ऑल इंडिया जानेंगे। आपने कुछ लोगों को देखा जिनको फायदा हुआ हो कुछ? जी हाँ, जिन्हों के कई लोगों के तो जो है ऑपरेशन प्रभु ने आए और रात में कर दिया, जिनके पास एक पैसा नहीं रहा, घर से बिल्कुल सवेरे भोजन मिलेगा तो शाम को चच्चे दिन भोजन नहीं मिलता, उनके घर बेघर हो गए, पैसा से बिल्कुल हीन हो गए, उनका परमात्मा ने ऑपरेशन कर दिया, दर्द को मेट दिया, खुशहाली कर दी, काबूते कैंसर जैसे जो है रोग प्रभु ने काट दिए, आज वो परिवार स्वस्थ और अच्छे हैं, वो प्रभु से जुड़ गए, कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। आपने देखा भाई भाइयों ने जो है सेवा कर्म करते हैं और प्रभु के साथ रहते हैं। यही वजह कि आप लोग उनके आश्रम के बाहर हैं, जब मर्जी दर्शन हो जाए, इसी दर्शन की लालच में यहाँ पर पड़े हुए हैं? नहीं, दर्शन नहीं, हम दर्शन भी करते हैं और प्रभु का सेवा कर्म भी करते हैं, मैं सेवादार हूँ। कितने लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं अभी? तो कुल रहते हैं, मतलब जो है क्यों, मतलब जो है जब यहाँ सत्य का साथ चलता नहीं तो थोड़ी लोग रह गए, ज्यादा हो गए 10-15 लोग। सत्य का साथ में बाबा जी क्या बताते हैं? सत्य बातें बताते हैं। क्या चीजें, मतलब क्या जीवन जीने की राह बताते हैं? ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से रहना है कि झूठ कपट निंदा चुगली बेईमानी यही प्रभु बताते हैं। इनसे दूर रहें। जी हाँ।
अच्छा, कल जैसे हादसा हुआ बताया जा रहा था कि उनके चरण की जो धूल है उसको लेने के लिए लोग जा रहे थे, तो क्या फायदा होता है चरण की धूल से, चरण रज से? रज से यही होता है, जैसे किसी का दर्द है या किसी के मतलब कोई और परेशानियां हैं तो वहां से ले जाते हैं अपना, और वो जैसे बच्चे अच्छे हैं कोई खेला कूद और वो है तो उन्होंने लगा दी, उससे जो है बच्चे डराना और वो मतलब जो है सही हो जाते हैं, बीमारियों में लाभ मिलता है। बीमारियों में लाभ मिलता है। एक और सेवादार भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि आपको आपको क्या फायदा मिला बाबा जी के साथ में रहने से, उनके दर्शन करने से, आप यहाँ पर रह करके सेवा भी करते हैं, तो क्या क्या फायदा मिला आपको व्यक्तिगत तौर पे? तो बता तो दिया हमने, फिर से बता दीजिए क्या, अब ज्यादा मत बोलो। आपको क्या फायदा हुआ, मतलब आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ कुछ नहीं, नारायण हरि का मूल मंत्र जपते हैं, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कितने लोग आते हैं? लगभग लखों करोड़ों यहाँ आते हैं, कोई गिनती नहीं है आने की। फायदा कितने लोगों को मिला जो आते हैं, लोग उन भक्ति करते हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ, जो यहाँ आते हैं जब ही तो आते हैं, कुछ उन्होंने देखा है या उन्हें कुछ मिला है। आपको व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा हुआ है? मेरी जान तो देखिए, लोग जो आखिरी लाइन आपने कही, देखिए मैं उसी लाइन को पकड़ता हूँ।